आप देख सकते हो ये हमारा चैप्टर वन का इंट्रोडक्शन है, लेकिन आप सोच रहे होगे चैप्टर वन का इंट्रोडक्शन तो ऑलरेडी चैनल पे है, बट जैसे कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है यहाँ पे हिंदी में लिखा है, सो दिस मींस ये जो चैप्टर वन का इंट्रोडक्शन है ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स में, हमने अपने बहुत सारी वीडियोस में देखा, कमेंट्स में देखा, जहाँ पे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि वो हिंदी मीडियम के हैं तो उनके लिए स्पेशली वीडियोस बनाए गए हैं। अब इससे होगा ये कि अगर जब हम इंट्रोडक्शन में चैप्टर्स में जो जो वर्ड्स आ रहे हैं, जो जो चीजें हैं वो आप समझोगे अपनी लैंग्वेज में, मतलब जिस लैंग्वेज में आप मैथ्स को पढ़ते आ रहे हो, तो आपको उन वर्ड्स का मतलब समझ आ जाएगा कि जो मैं यहाँ पे एक्सरसाइज में इंग्लिश में वर्ड बोल रही हूँ वो हिंदी में उसका क्या मीनिंग है। तो उसके बाद जब आप एक्सरसाइजेस देखोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। ऑल्सो हर चैप्टर के लास्ट में हमें चार्ट देंगे जिसमें वो वर्ड्स होंगे जो एक्सरसाइजेस में चैप्टर में यूज करे गए हैं, सो उसका हम ट्रांसलेशन देंगे कि इंग्लिश में ये वर्ड इस तरह से बोला जाता है जो हिंदी में ये है, ठीक है। तो वो आपको हेल्पफुल होगा, आप एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन भी समझ लोगे और इस इन वीडियो से आप चैप्टर का इंट्रोडक्शन तो समझ ही सकोगे। ओके, तो सबसे पहले हम बिगिन कर रहे हैं चैप्टर वन से जो कि है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती है ये समझने से पहले हम ऐसी संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं जो आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो, तो एक तरह से हम उसको रिवाइज कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कौन सी होती है, वो संख्याएं जो एक से शुरू हो रही है, जैसे कि एक, दो, तीन, चार, पांच और इस तरह से आगे जितनी भी संख्याएं, ये सारी प्राकृत संख्याएं हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या हमारी शुरू होती है जीरो से, बाकी इसमें वही चलता है, वन टू थ्री फोर ये सब चलता रहेगा, लेकिन इसमें जीरो भी आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने पूर्णांकों के बारे में पढ़ा हुआ है, तो पूर्णांक क्या होते हैं, इसमें हमारे पास प्राकृत संख्याएं भी आती है, पूर्ण संख्याएं भी आती है, उसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आ जाते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक क्या होता है, धनात्मक मतलब जैसे कि एक है, दो है, तीन है, छह है, सात है, इस तरह से कोई भी अगर नंबर है ये सब किसमें आते हैं, धनात्मक में। लेकिन इन्हीं संख्याओं में अगर मैं इसको लिख दूं माइनस वन, माइनस टू, माइनस सिक्स या फिर माइनस टू नाइन फोर, तो अब ये जो आगे माइनस लग रहा है इससे ये संख्याएं ऋणात्मक बन गई, और धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही पूर्णांकों में आते हैं, मतलब ये सभी संख्या और साथ में जितनी ऋणात्मक संख्या है वो भी पूर्णांकों में आती है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये तो हमने जो पढ़ा हुआ था वो रिवाइज किया, अब बात जो हम कर रहे हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या भी हमने पढ़ा हुआ है, परिमेय संख्या होता है ऐसी संख्या जो कि p अपॉन q इस तरह से होती है, मतलब एक भिन्न के रूप में होती है, जैसे कि अगर मेरे पास है 2/3 तो ये 2/3 हमारा परिमेय संख्या है क्योंकि वो भिन्न की तरह है। इसी तरह से अगर मेरे पास है 6/9 तो ये भी एक परिमेय संख्या है, और इसके साथ साथ अगर मेरे पास मान लो सिर्फ 7 लिखा हुआ है तो क्या 7 परिमेय संख्या होगा। अब देखो ये p अपॉन q में तो नहीं दिख रहा, लेकिन अगर इस 7 को मैं 7/1 लिख दू तो आप देखोगे कि ये अब क्या बन गया, एक भिन्न की तरह बन गया, मतलब ये भी एक, अगर खाली 7 भी केवल है तो वो भी हमारे पास एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब जैसे हमारे पास पूर्णांक होते हैं धनात्मक और ऋणात्मक, उसी तरह से परिमेय संख्या भी हमारे पास होती है धनात्मक, जैसे अभी हमने देखा 2/3, 6/9 या 7, इस तरह की कोई भी, इसमें भी आपके पास ऋणात्मक होती है, जैसे कि अगर यही होता -2/3 तो ये भी एक परिमेय संख्या है, कौन सी वाली, ऋणात्मक वाली, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि जो परिमेय संख्या है उसमें जो आपका नीचे वाला हर है, जैसे यहाँ पे हम क्यों लिख रहे हैं, तो ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर कोई भी आपके पास संख्या है उसके नीचे जीरो लग गया तो वो हमारे पास परिमेय संख्या नहीं माना जाएगा। जरूर बताएं, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें
और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।